आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग पास्ता जीरे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर आप एक बार इस तरह से बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग वाले पास्ता बनाने के लिए हम इस तरह से एक कटोरी पास्ता लेंगे इस तरह से, और इन्हें हम करेंगे बॉईल। बॉईल करने के लिए हम इसमें 3 कटोरी पानी रखेंगे और उसमें 1 कटोरी पास्ता डालेंगे, और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और आधा नींबू, जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे अच्छे से उबलने देंगे। तो ये हमारे इस तरह से उबल चुके हैं, और इन्हें अब हमने एक छलनी में इस तरह से इनका पानी निकाल दिया है और ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब ऑयल गर्म होने पर उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, और इन्हें थोड़ा सेक लेंगे, और 1 बड़ा प्याज डालेंगे रफली कटा हुआ, और 1 बड़ी शिमला मिर्ची डालेंगे इस तरह से लंबी पीस में कटी हुई। 2 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। अब 2 मिनट बाद अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस, और 1 चम्मच डालेंगे चिली सॉस, और 1 चम्मच डालेंगे टोमेटो सॉस, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1/4 चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और अच्छे से मिक्स करने के बाद बॉईल किए हुए पास्ता डाल देंगे, और इस तरह से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू, जिससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और अब डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो इस तरह से हमारी ये पास्ता बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी। तो आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।